नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनी टेक एंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं RPSC राजस्थान पुलिस SI रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं कि रिजल्ट आपके आउट हो चुके हैं, तो दोस्तों आप रिजल्ट को किस तरह से चेक करेंगे और कट ऑफ भी इसमें दिया हुआ है, जो कि कट ऑफ को भी आप किस तरह से चेक करेंगे, तो इस वीडियो में बना रही है और चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है सरकारी उजाला.com। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं सरकारी उजाला.com आपको भी लिख लेना है। लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। दोस्तों, सर्च करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होगा, आपको सरकारी उजाला के ऑफिशियली पेज खुल के आ जाएगी। उसके बाद नीचे की ओर आना है। नीचे को और आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम रिजल्ट का एक सेक्शन मिल जाता है आपको। इसमें आपको RPSC राजस्थान पुलिस SI रिजल्ट का एक लिंक मिल जाता है, जिसमें आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वाले पेज मिल जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लिंक है, इम्पोर्टेंट लिंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, इसमें आपको क्लिक हेयर का एक ऑप्शन देता है, जिसमें आपको लिंक दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक हेयर में क्लिक करने के बाद आपके PDF जो है इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड होने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार से आपका ओपन भी हो जाएगा। यहाँ आपको सारा का सारा रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपको अपने रोल नंबर आपको ढूंढ लेना है, यानी पता कर लेना है। तो दोस्तों, आप अपने रोल नंबर को कैसे ढूंढेंगे, जो भी आपके रोल नंबर है। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक सर्च बॉक्स में आप देख सकते हैं, सर्च बॉक्स में आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखता है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर अपने रोल नंबर को लिख लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर रोल नंबर को आप जैसे लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके रोल नंबर इस प्रकार से हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला रोल नंबर आपके हाईलाइट हो गए, उसी प्रकार आपका भी रोल नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपने रिजल्ट को देख लेना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे की ओर आना है। नीचे वाले पेज में आप देख सकते हैं जैसे कि आपके कटअप, यहाँ पर सारा का सारा पोस्ट का कटअप दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो कटअप है, कटअप मार्क फॉर द TSP एरिया फॉर मेल पोस्ट। तो मेल पोस्ट के लिए जो TSP एरिया का है, यहाँ पर देखिए कटअप ये वाला दिया हुआ है। यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है, यहाँ पर आपका कटअप दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अगर फीमेल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर विंडो पोस्ट के लिए आपके, यहाँ पर वीडियो के लिए आपके कटअप ये है, और DB पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फॉर DB पोस्ट यहाँ पर 128.20 यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन पोस्ट जो है, यहाँ पर उसके लिए कटअप ये है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने रिजल्ट और यहाँ आप कटअप को भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने रिजल्ट को किस तरह से चेक करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।